सो सिक्स हमने अभी जस्ट किया, नाउ सेवन अगेन ये कंबाइन वाला है, और जैसा मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अ मिल्कमैन सोल्ड टू आइटम्स टू ऑफ हिज बफेलोस फॉर रुपीज 20,000 ईच, ऑन वन ही मेड अ गेन, ऑन वन गेन ऑफ 5% एंड ऑन अदर अ लॉस ऑफ 10%। अभी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, और ये भी वैसा की वैसा ही क्वेश्चन है। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसको भी हम दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये दो पार्ट का क्वेश्चन है, तो हम इसे दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। मिल्कमैन ने दो बफेलो सोल्ड की, मींस क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस कितनी है 20,000, मींस कितने में बाय की थी वो नहीं पता, सीपी हमें नहीं पता, बट उसने ये बता दिया, क्वेश्चन में हिंट कर दिया कि पहले केस में ही गेन्ड 5% एंड इन द सेकेंड केस ही हैज लॉस, ठीक है, उसको लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो हमें एस पी पता है दोनों केसेस में, तो हम वन वन बफेलो की बात करेंगे, वन सेलिंग प्राइस ऑफ वन बफेलो इज 20,000 रुपीस, ठीक है। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर बफेलो इज 20,000, बिकॉज दोनों की जो बात कर रहे हैं वो 20,000 है, तो सबसे पहले तो हमने दोनों की एस पी लिख ली। अब हमें दिया है फर्स्ट केस में, सॉरी लॉस नहीं है, गेन दिया है, गेन इज 5%। अब यहां पर हम सी पी नहीं पता है, आइदर एक्स लेके कर सकते हैं, और यहां पर क्या दिया है, लॉस 10%, और दोनों केस में हमें सी पी नहीं पता है, आइदर वी कैन टेक एक्स और वी कैन टेक 100। मैं 100 से करूंगी, बिकॉज 100 यहां पर अप्रोप्रिएट रहेगा और इजी भी रहेगा, एक्स वाला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आप घर पे चाहें तो दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं दोनों मेथड से, तो आपको दोनों से करना आता है, ठीक है। 100 से इसलिए इजी रहेगा कि गेन हमें 5% दिया है, अगर हम सी पी 100 मान लेंगे तो गेन 5 रुपीज हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पर वही करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 5 रुपीज, सो सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस 5 मीन्स 105। देखिए इससे क्या फायदा होगा, आपका बहुत स्मूथली यूनिटरी मेथड के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। अब आप लिखेंगे व्हेन सेलिंग प्राइस इज 105 रुपीस देन कॉस्ट प्राइस इज 100। व्हेन यूनिटरी मेथड में हम 1 का निकालते हैं, देन कॉस्ट प्राइस इज 100 upon 105, यहाँ रुपीज आएगा, सॉरी यूनिट लगेगी। व्हेन 20,000 इज सेलिंग प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस इज, देखिए कितना सिंपल हो गया, 100 upon 105 into 20,000। इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो मेरे पास इसका डायरेक्ट आंसर है, तो मैं वो कॉपी कर देती हूँ क्योंकि बहुत स्पेस कम है
और कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। इट विल गिव यू 1904, 1904.6 रुपीज़। इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, स्पेस शॉर्टेज के कारण मेरे को यहाँ पर करना पड़ रहा है, ठीक है। 0.6 रुपीज़। देखिए, जो बफेलो पहली वाली थी जिसको उसने प्रॉफिट में सेल किया, वो बफेलो उसको कितने में ली थी उसने, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 19,047.60 रुपीज़ में उसने बाय करी थी, बट सेल कितने में करी है? 20,000 में। ये क्लियर लिया गया। अब सेकेंड पार्ट, अनदर बफेलो, उसमें उसे लॉस हो रहा है। अगेन हम लेंगे लेट द सीपी ऑफ बफेलो इज 100 रुपीज, लॉस इज 10%, और 10 रुपीज ले लें डायरेक्ट, क्योंकि जब भी हम 100 की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो सीपी ऑफ, सीपी क्यों होगा, एसपी, एसपी ऑफ बफेलो इज, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, 100 माइनस 10, माइनस क्यों हुआ, बिकॉज इट इज लॉस, 90 रुपीज। एसपी क्या हो गई? 90 रुपीज। मतलब अगर वो 100 रुपए में बफेलो खरीदता है तो 10% लॉस में सेल करता है, मींस 90 रुपीज में सेल करता है। अब हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे, अब हमारे पास यहाँ स्पेस है तो हम यहाँ लगा देते हैं। व्हेन 90 रुपीज एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो, देन सीपी वॉज 100, ठीक है। सो व्हेन 1 रुपीज इज सेलिंग प्राइस, देन सीपी इज 100/90। व्हेन 20,000 इज सेलिंग प्राइस, देन सीपी इज 100/90 इंटू 20,000। आप लोग प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर हर जगह सीपी आएगा। मैं अगर मिस भी कर दूँ तो आपको करेक्शन करना है और सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये जो कैलकुलेशन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो इट विल गिव यू 2,222.2 रुपीस। दोनों केस की कॉस्ट प्राइस आ चुकी है, ठीक है। पहले केस में कॉस्ट प्राइस कम थी, उसने प्रॉफिट में सेल करी 20,000 में। दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, उसने लॉस में सेल करी है और लॉस है 10% का, ठीक है। अब हम ओवरऑल की बात करेंगे, टोटल सीपी निकालेंगे, टोटल एसपी निकालेंगे, जब हमें पता चलेगा कि उसे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अब यहां पर हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। टोटल एसपी ऑफ टू बफेलोस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, कितना होगा? दोनों की एसपी दी हुई है 40,000 रुपीज। ये तो हुआ सेलिंग प्राइस। नाउ टोटल सीपी ऑफ टू बफेलोस, दोनों अमाउंट जोड़ देंगे हम। एक हमारा आया है 1,907.6 प्लस दूसरा अमाउंट हमारा आया है 222.2 रुपीज़। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे सो इट विल गिव यू 4,269.8 रुपीज़। ये आ गई आपके पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा दिख रही है या कम दिख रही है? ज्यादा दिख रही है। कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है, इट मींस, मैं ये रब कर रही हूं पार्ट, कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है इसका क्या मतलब हुआ, उसको जो भी बंदा है उसे लॉस हो रहा है, क्योंकि उसने खरीदा ज्यादा में है बट बेचा कम में है। उसने बाय जो किया है वो ज्यादा में किया है और सेल जो किया है वो कम में किया है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, इट मीन्स ही
is having loss. How much loss? दोनों को subtract कर देंगे. CP minus SP. ठीक है. 41269 माइनस सॉरी कुछ अमाउंट रुपीस भी हैं मैंने कुछ मिस कर दिया था 0.8 माइनस दूसरा कितना है 40,000 सो योर लॉस इज 1269.8 रुपीस यानी जो फार्मर था या जो भी पर्सन था उसको ओवरऑल जो हुआ है वो गेन नहीं हुआ है लॉस हुआ है उसका रीजन ये है कि उसकी कॉस्ट प्राइस यानी जो बाय करा था उसने वो ज्यादा आ रही है और जब वो सेल कर रहा है 20,000 में तो उसकी प्राइस कम आ रही है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अगर बड़ी आ जाए तो हमेशा क्या होता है लॉस होता है तो ये ओवरऑल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं तो आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ बट आप भी जितना ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा ठीक है सो दोस्तों अभी हमने जो कंटिन्यूएशन में 2-3 क्वेश्चंस किए वो गेन और लॉस के थे ढेर सारी सीपी एसपी ये वो मिक्सचर हो रहा था कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि बोरिंग सा लग रहा था और साथ में ये भी लग रहा था कि बाप रे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है मैम हम कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो कोई बात नहीं आप उनको प्रैक्टिस करें वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे लिए हैं बट अब जो 2-3 क्वेश्चन ले रही हूँ मैं वो बहुत ही लाइट क्वेश्चन है और यू कैन से वन लाइनर क्वेश्चन तो वो बैलेंस जो है आपका वो बराबर हो जाएगा ठीक है सो 8th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन आप उसे वन लाइन में कर सकते हैं बट स्टिल मुझे तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000 रुपीज द सेल्स टैक्स चार्ज टीवी की जो कॉस्ट है उस पर कुछ सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12% फाइंड द अमाउंट अमाउंट को आई एम राइटिंग इन शॉर्ट दैट विनोद will have to pay. देखा जाए तो विनोद बहुत लकी है क्योंकि ये बुक जो है आपकी पहले से पब्लिश्ड हुई है आज के समय में सेल्स टैक्स के साथ जीएसटी भी हमें देना पड़ रहा है एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ द जीएसटी तो एटलीस्ट इन दिस केस हमें केवल एक ही टैक्स कैलकुलेट करना है इंस्टेड ऑफ 2-3 टैक्सेस अभी के समय में जो टैक्सेस लग रहे हैं उसमें जीएसटी भी लग रहा है ठीक है तो विनोद जो है उसको 13,000 का टीवी है और 12% सेल टैक्स देना है तो कितने में उसको टीवी पड़ेगा या कितनी उसकी फाइनल प्राइस होगी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे द मार्क्ड प्राइस मैं शॉर्ट में लिख रही हूं मार्क प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000 रुपीस सेल्स टैक्स इज कितना परसेंट है 12% अब हमें इसे अमाउंट में निकालना होगा क्योंकि ये तो परसेंट में है सेल्स टैक्स इन रुपीस इज 12% ऑफ मार्क्ड प्राइस 12/100 इंटू 13,000 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 3 36 156 रुपीस राइट 156 नहीं 1560 रुपीस क्योंकि एक जीरो भी बचा है ठीक है सो द फाइनल प्राइस सो द फाइनल प्राइस विनोद हैव टू पे इज 13,000 तो उसे देना ही होगा प्लस 1560 रुपीज और देना होगा बिकॉज दे आर चार्जिंग टैक्स सो ही नीड टू पे 14,560 रुपीज वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन
और इजी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। एट्थ ले लिया हमने, नाउ नाइन्थ। नाइन्थ इज अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर डिस्काउंट वॉस 20%। ये बहुत अच्छी बात है, डिस्काउंट में जो भी चीज मिलती है हमेशा अट्रैक्ट करती है। इफ द अमाउंट ही पेस इज 1600 रुपीज, फाइंड मार्क प्राइस। फाइंड मार्क प्राइस। अरुण जो है उसने स्केट्स बाय की है कोई सेल से, फाइनल डिस्काउंट होने के बाद जो अमाउंट वो पे कर रहा है दैट इज 1600। मीन्स इन शॉर्ट यू कैन से जो फाइनल प्राइस है दैट इज 1600। तो हमें एक्चुअल प्राइस नहीं पता, मार्क प्राइस हमें नहीं पता। अब अगेन यहाँ दो केस अराइज होंगे, आइदर यू कैन टेक एक्स और यू कैन टेक 100। तो मैंने आपको जैसा बताया कुछ क्वेश्चन 100 अज्यूम करने से बहुत इजी पड़ते हैं, तो यहाँ हम भी वही करेंगे। लेट द मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स बी 100 रुपीज। डिस्काउंट दिया है 20%, मीन्स 20 रुपीज, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग 100। ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, मैं निकाल के भी आपको दिखा सकती हूँ, 20% ऑफ 100 इज 20 रुपीज, बट अभी मैं यहाँ डायरेक्टली यूज करूंगी, ठीक है। डिस्काउंट इज 20 रुपीज। ये डिस्काउंट 20 रुपीज कब है? जब हमने अज्यूम किया है 100, अदरवाइज डिस्काउंट 20% है, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं करना कभी भी, डिस्काउंट आ गया। सो द फाइनल प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स इज 100 माइनस 20, यानी अरुण को 80 रुपीज देने हैं अगर स्केट की कॉस्ट 100 रुपीज है। ये तो हमने एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया कि अगर शॉपकीपर 100 रुपीज के स्केट्स है और 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो अरुण को 80 रुपीज देना पड़ेंगे। अब हमारा क्या लगेगा? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड सबसे सिंपल मेथड होता है। इफ फाइनल प्राइस इज 80 रुपीज देन मार्क प्राइस इज 100। इफ फाइनल प्राइस इज 1 रुपीज देन मार्क प्राइस इज 100/80 रुपीज। इफ फाइनल प्राइस इज कितना अमाउंट वो दे रहा है, 1600 रुपीज, देन 100/80 × 1600, इसका हमने कट डाउन कर दिया, 2000 रुपीज। मीन्स स्केट्स जो थे उस पर जो टैग लगा हुआ था, जो उसका मार्क प्राइस था, दैट इज 2000। अरुण ने उसे चूंकि सेल में लिया है तो उसे कुछ बेनिफिट मिला 20% का, और अरुण को वो स्केट्स जो है ओनली 1600 में ही मिल गए। तो अरुण इज लकी क्योंकि 2000 की चीज 1600 रुपीज में मिल गई, मीन्स 400 रुपीज ही है सेव्ड। क्वेश्चन वन लाइनर ही है ये, आप डायरेक्टली ओरली भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो, बट स्टिल मुझे स्टेटमेंट के थ्रू बताना पड़ता है इसलिए मैं बता रही हूँ। स्टूडेंट एक चीज और मैं आपके नोटिस में लाऊंगी, मेरे स्टेटमेंट्स थोड़े से शॉर्ट या इनकरेक्ट या मिसमैच हो सकते हैं, बट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली लैंग्वेज में लिखेंगे। मुझे प्रैक्टिस नहीं है तो मैं उसे बहुत शॉर्ट में लिख देती हूँ, बट आप जब भी लिखेंगे तो क्वेश्चन में से उसका जीस्ट निकाल के
प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे. सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज, सो द लास्ट एंड इजी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज, आई परचेज अ हेयर ड्रायर. ठीक है, कॉस्ट है उसकी 5400 इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 8% वेट. दिस इज अगेन अ टैक्स. जैसे सेल टैक्स होता है ऐसे ही वेट होता है. एंड आजकल जो और लग रहा है दैट इज GST ऑल्सो. मीन्स हमारी गवर्नमेंट जो है हम लोगों से ढेर सारे टैक्सेस लेती है. सो ही इज गिविंग 8% टैक्स ऑन द हेयर ड्रायर. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड. हमें ये पता करना है कि जब वैट अगर नहीं लगाया होता तब उसकी प्राइस कितनी होती. जैसा मैंने आपको कहा 100 रुपीज लेके ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरह से हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, लेट द एक्चुअल प्राइस विदाउट वैट, ठीक है, जिसमें वैट नहीं लगा, वैट इज 100 रुपीज. हमने सिंपल सा अज्यूम कर लिया. वैट कितना लगा है 8% मीन्स 8 रुपीज. अगेन मैं रिपीट करूंगी, 8% ऑफ 100 इज 8 रुपीज. तो मैं यहां पर निकालूंगी नहीं, डायरेक्ट लिखूंगी. ठीक है, वैट इज 8 रुपीज. सो द फाइनल प्राइस ऑफ ड्रायर इज 100 प्लस 8 रुपीज. मीन्स आफ्टर वैट जो भी बंदा है उसे इतने रुपए देने पड़ रहे हैं. एक्चुअली वो ड्रायर 100 रुपीज का था पर आफ्टर वैट उसे कितने देने पड़ रहे हैं, 108. नाउ अगेन यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड से इजी कोई चीज नहीं होती. अब आप लिखेंगे इफ 108 रुपीज इज फाइनल प्राइस देन द एक्चुअल प्राइस इज 100. जब 108 वैट लगने के बाद है तो एक्चुअल प्राइस कितनी है, 100. इफ 1 रुपीज इज फाइनल प्राइस देन एक्चुअल प्राइस इज 100/108. इफ 5400 रुपीज, ये सब आप स्टेटमेंट प्रॉपरली अरेंज करेंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया है. 100/108 इंटू 5400. ठीक है, इनको हम कैंसिल करेंगे. ये आफ्टर कटिंग डाउन आंसर विल बी 5000 रुपीज. विदाउट वेट ड्रायर की कॉस्ट कितनी है, 5000. इस 5000 पर वो 8% का टैक्स दे रहा है. देन टैक्स देने के बाद उसको जो ड्रायर की कॉस्ट आ रही है दैट इज 5400. सो स्टूडेंट लास्ट के 3 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे. हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. आई थिंक 9 क्वेश्चन है, सॉरी दिस वॉज 10th. हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, दिस इज 10th. ओके, कुछ क्वेश्चन जो ओवरऑल वाले आए हैं 2 या 3, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगी. उनको पहली बात तो आप सेपरेटली करें, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और उसकी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो. इसके अलावा आप NTSC या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें तो वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. और थोड़ा सा मैं अगेन मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे स्टेटमेंट इम्प्रॉपर हैं, इट डजेंट मीन कि आप भी ऐसे इम्प्रॉपर स्टेटमेंट लिखें. आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर से जिस्ट निकाल के. ठीक है, सो दिस वॉज एक्सरसाइज 8.2. नाउ विल मूव टू द एक्सरसाइज 8.3.